ये गोरबंद अच्छा लगा क्या आप लोगों को? तो थोड़ा और जोरदार ताली बजा के स्वागत करूंगा कलाकारों का। भाषा भाषा समझ में आई, संगीत समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? संगीत दोनों तो नहीं आए होंगे, क्योंकि पूरा ये मारवाड़ क्षेत्र की भाषा थी, जिसको हम मारवाड़ी भी कहते हैं और राजस्थानी भी कहते हैं। तो सब तो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन हमारे चेयरपर्सन सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र की बता रही थी हेमलता जी कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। यहाँ हमने देखा कि जब यहाँ संगीत चल रहा था तो सारे बच्चे आनंदित हो रहे थे। ये है संगीत, इसको संगीत बोलते हैं। हमारा सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली का आज ये कार्यक्रम धरोहर श्रृंखला या कलाकारों का संगम, आज़ादी के अमृतकाल की शुभ बेला पर शिल्पकारों का मेला, क्या नाम दें आप जाने, लेकिन हस्त शिल्प संगीत नृत्य और भोजन ये इनके कंपोनेंट। मेरे ख्याल में देश भर के जितने भी छात्रवृत्ति धारक उनको आज आपने बुलाया है, और संस्कृति हाट का भी एक विषय रखा है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपने नाम रखा है आज़ादी के अमृतकाल की शुभ बेला। हमारे देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया जी, बताइए कितना हो गया? 75 कब होगा? इस 15 अगस्त को कब होगा? और इस 15 अगस्त से आगे 25 साल का जो कालखंड है, इसका नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल किया है। ये अमृतकाल, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हो गए हम मना रहे हैं। इस श्रृंखला में आज का कार्यक्रम है डॉक्टर हेमलता एस मोहन चेयरपर्सन CCRT और श्री ऋषि वशिष्ठ डायरेक्टर CCRT और सभी आप इसमें उपस्थित पूरे देश से आने वाले सभी कलाकार। और इस अमृतकाल में हमें देश को कहाँ ले जाना है, ये बड़ा विषय है। देखिए अभी एक सबसे पहले जो प्रस्तुति हुई वो होगा, थी प्रस्तुति होगा कल सुनहरा, और विश्वास है ये गहरा। ये प्रस्तुति करने वाले सभी जो हमारे कलाकार हैं, जिन्होंने यहाँ CCRT में ट्रेनिंग ली, छात्रवृत्ति भी पा रहे होंगे, पूरे देश से हैं, जोरदार ताली बजा के इनका सबका स्वागत करें आप। बहुत अच्छे बोल थे उनके, और संस्कृति को आज भी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जिस देश की संस्कृति सुदृढ़ होती है वो देश बड़ा होता है और महान होता है, ऐसा हमें कहा ही नहीं जाता है, ऐसा हम आचरण भी करते हैं। और संस्कृति तब महान होती है, तब हमारे देश में GDP ठीक चले, शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, एकता बनी रहे। संविधान निर्माताओं ने जिनका संविधान की प्रस्तावना में जिक्र किया, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये बनी रहे, तब जाकर के ये विश्वास जो है वो गहरा होता है। लेकिन मुझे बताया गया हेमलता जी ने कि ये गीत हेमलता जी ने ही लिखा, इसलिए इनके लिए भी जोरदार ताली बजानी चाहिए अपने। अच्छा गीत है, होगा कल सुनहरा, विश्वास है ये गहरा। ये विश्वास होने पे ही देश के इस अमृतकाल में, इस कालखंड में हम तरक्की कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। बोला नहीं बोला भाई, बताइए। मुझे लगता है इसी भावना पे ये होगा कल सुनहरा, विश्वास है ये गहरा लिखा गया था। अभी एक गीत आया था जो राजस्थानी कलाकारों के बुट्टे खां और उनकी पार्टी के द्वारा, पधारो हमारे देश, उसमें एक अंतरा है, आवन जावन कह गए हो और कर गए हो कमल अनेक, वादे जब अगर आप करते हो किसी को
कि मैं ये पूरा कर देंगे ये पूरा कर देंगे, तो वो पूरा करना भाई साहब इसमें यही बोल है, इसको मारवाड़ी का हिंदी अनुवाद समझा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप या तो किसी से प्रॉमिस मत करो, जैसे आज मैंने प्रॉमिस किया मैं आऊंगा, मैं नहीं आता तो कैसा लगता, अच्छा नहीं लगता ना। तो आपने किसी को प्रॉमिस किया, चाहे आपने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया कि हम श्रेष्ठ नागरिक बन करके दिखाएंगे आपको, और नहीं करोगे तो पेरेंट्स को कैसा लगेगा, ठीक लगेगा क्या? अगर आपने ये कहा कि हम अच्छे नृत्यकार बन करके या संगीतकार बन करके दिखाएंगे और नहीं बने तो पेरेंट्स को कैसा लगेगा, इसमें यही बोल है कि या तो आप प्रॉमिस मत करो, और अगर प्रॉमिस करो तो पूरा करो, ये है विषय इसमें। आवण जावण क्यों भी फुटे खान जी, यही है ना, आवण जावण कह गयो कर गयो कवल अनेक, घिसती घिसती घिस गई मारे आंगलियां रही रेख, या गिणन लागी कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, तो ये रेख होती ना रेख, ये घिसने लग गई, ये घिसती है क्या? लेकिन कवि की कल्पना है कि ये घिसने लग गई, इसलिए ऐसी कोई वादा जीवन में नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉमिस जीवन में नहीं करना चाहिए, आपस में भी दोस्तों के बीच में भी नहीं करना चाहिए, संस्था से भी नहीं करना चाहिए, सीसीआरटी से भी नहीं करना चाहिए, समाज से भी नहीं करना चाहिए, देश से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको श्रेष्ठ नागरिक बनना है तो वादा वो करो जिसको हम पूरा कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने देखने चाहिए, आपको भी लगता है ना सपने देखने चाहिए, नहीं लगता है क्या? लगता है ना। लेकिन उन्होंने के साथ में यह भी कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में लेते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, ये सपने होते हैं। ऐसे सपने देखोगे तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। मैं पुनः सभी शिल्पकारों को, कलाकारों को, संगीत प्रेमियों को, जितने भी परफॉर्म करने वाले कलाकार हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं आज़ादी के अमृतकाल की शुभ वेला में। और मैं पुनः विश्वास प्रकट करता हूं कि आपका ये कार्यक्रम जो धरोहर है वो सफल होगा, कलाकारों को अपनी मंजिल प्राप्त कराने में, मंजिल तक पहुंचाने में ये कार्यक्रम मददगार सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कल्पना है। इन्हीं भावना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।